ईडी के सातवें समन को भी ठुकराया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। आज भी वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे, बल्कि विधानसभा में वो गर्जे। बीजेपी पर उन्होंने ताबड़तोड़ हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी केंद्र और एलजी दिल्ली की सरकार को काम नहीं करने देना चाहते हैं, और ऐसे में तीन प्रमुख बातें रखी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पर बहुत ज़्यादा काम हुए हैं, और ऐसे में दिल्ली एक रोल मॉडल की तरह देखी जानी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार को दबाया और धमकाया जा रहा है, और साथ ही साथ उन्होंने सदन में यह भी प्रस्ताव रखा कि आज एक साल हो गए हैं मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार हुए, और ऐसे में तमाम विधायकों से उन्होंने निवेदन किया कि राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करें, ताकि उन्होंने ये बात जताने की कोशिश की कि जिस तरीके से शिक्षा में बदलाव लाए मनीष सिसोदिया, लेकिन उनको गिरफ्तार किया गया और वो भी गलत तरीके से, तो कहीं ना कहीं उनका ये संदेश था कि पार्टी पर दबाव बेशक लगातार बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, लेकिन वो एक साथ खड़े हैं। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज 24।